नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे पॉडकास्ट वर्ल्ड्स ग्रेट लिटरेचर में, जिसमें मैं आपको सुनाता हूँ दुनिया भर के मशहूर राइटर्स की लिखी कहानियाँ। मैं हूँ आपका कहानी वाला लड़का सिद्धांत, और आज सुनाने जा रहा हूँ सादत हसन मंटो की लिखी कहानी बो। बरसात के यही दिन थे, खिड़की के बाहर पीपल के पत्ते इसी तरह नहा रहे थे। सागवान के इस स्प्रिंग डाक पलंग पर, जो अब खिड़की के पास से थोड़ा इधर सरका दिया गया था, एक घाटन लौंडिया रणधीर के साथ चिपटी हुई थी। खिड़की के पास बाहर पीपल के नहाए हुए पत्ते रात के दूधिया अंधेरे में झूमरों की तरह थरथरा रहे थे, और शाम के वक्त जब दिन भर एक अंग्रेजी अखबार की सारी खबरें और इश्तिहार पढ़ने के बाद वो कुछ आराम के लिए बालकनी में आ खड़ा हुआ, तो उसने उस घाटन लड़की को, जो साथ वाले रस्सियों के कारखाने में काम करती थी और बारिश से बचने के लिए इमली के पेड़ के नीचे खड़ी थी, खास खास कर अपनी तरफ मुतवजा कर लिया था, और उसके बाद हाथ के इशारे से ऊपर बुला लिया था। वो कई दिन से शदीद किस्म की तन्हाई से उकता गया था। जंग के बाइस बम्बई के तकरीबन तमाम क्रिश्चियन छोकरियां, जो सस्ते दामों में मिल जाया करती थी, औरतों की अंग्रेजी फौज में भर्ती हो गई थी। उनमें से कई एक ने फोर्ट के इलाके में डांस स्कूल खोल लिए थे, जहां सिर्फ फौजी गोरों को जाने की इजाजत थी। इस सब से रणधीर बहुत उदास हो गया था। उसकी आना का सबब तो ये था कि क्रिश्चियन छोकरियां नायाब हो गई थी, और दूसरा ये कि फौजी गोरों के मुकाबले में वो कहीं ज्यादा मुहज्जब तालीम याफ्ता और खूबसूरत नौजवान था। उस पर फोर्ट के लगभग तमाम क्लबों के दरवाजे बंद कर दिए थे, क्योंकि उसकी चमड़ी सफेद नहीं थी। जंग से पहले रणधीर नागपाड़ा और ताजमहल होटल की कई मशहूर व मारूफ क्रिश्चियन लड़कियों से जिस्मानी ताल्लुकात कायम कर चुका था। उसे बखूबी इल्म था कि इस किस्म के ताल्लुकात की क्रिश्चियन लड़कों के मुकाबले में वो कहीं ज्यादा मालूमात रखता था, जिनसे ये छोकरियां आम तौर पर रोमांस लड़ाती हैं और बाद में किसी बेवकूफ से शादी कर लेती हैं। रणधीर ने बस यूं ही हैजल से बदला लेने की खातिर उस घाटन लड़की को इशारे पर बुलाया था। हैजल उसके फ्लैट के नीचे रहती थी, और हर रोज सुबह वर्दी पहनकर कटे हुए बालों पर खाकी रंग की टोपी तिरछे जावी से जमाकर बाहर निकलती थी, और लड़कपन से चलती थी, जैसे फुटपाथ पर चलने वाले सभी लोग टाट की तरह उसके रास्ते में बिछे चले जाएंगे। रणधीर सोचता था कि आखिर क्यों वो इन क्रिश्चियन छोकरियों की तरफ इतना ज्यादा माइल है। इसमें कोई शक नहीं कि वो अपने जिस्म की तमाम दिखाई जा सकने वाली अशिया की नुमाइश अच्छे से करती हैं। किसी किस्म की झिझक महसूस किए बगैर अपने कारनामों का जिक्र कर देती हैं, अपने बीते पुराने रोमांसों का हाल सुना देती हैं। ये सब ठीक है, लेकिन किसी दूसरी लड़की में भी तो ये खासियतें हो सकती हैं। रणधीर ने जब घाटन लड़की को इशारे से ऊपर बुलाया, तो उसे किसी तरह भी इस बात का यकीन नहीं था कि वो उसे अपने साथ सुला लेगा। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद उसने उसके भीगे हुए कपड़े देखकर ये सोचा था कि कहीं ऐसा ना हो कि बेचारी को निमोनिया हो जाए। तो रणधीर ने उससे कहा था, ये कपड़े उतार दो, सर्दी लग जाएगी। वो रणधीर के इस बात का मतलब समझ गई थी, क्योंकि उसकी आंखों में शर्म के लाल डोरे तैर गए थे। लेकिन बाद में जब रणधीर ने उसे अपनी धोती निकाल कर दी, तो उसने कुछ देर सोचकर अपना लहंगा उतार दिया, जिस पर मैल भीगने की वजह से और भी नुमाया हो गया था। लहंगा उतार कर उसने एक तरफ रख दिया, और जल्दी से धोती अपने रानों पर डाल दी। फिर उसने अपनी तंग भीची भीची चोली उतारने की कोशिश की, जिसके दोनों किनारों को मिलाकर उसने एक गांठ दे रखी थी। वो गांठ उसके तंदुरुस्त सीने के नन्हे लेकिन समटीले गड्ढे में छिप गई थी। देर तक वो अपने घिसे हुए नाखूनों की मदद से चोली की गांठ खोलने की कोशिश करती रही, जो भीगने की वजह से बहुत ज्यादा मजबूत हो गई थी। जब थक हार कर बैठ गई, तो उसने मराठी जबान में रणधीर से कुछ कहा, जिसका मतलब ये था
मैं क्या करूं, नहीं निकलती। रणधीर उसके पास बैठ गया और गांठ खोलने लगा। जब नहीं खुली तो उसने चोली के दोनों सिरों को दोनों हाथों में पकड़कर इस जोर से झटका दिया कि गांठ सरासर फैल गई और इसके साथ ही दो धड़कती हुई छातियां एकदम से नुमाया हो गई। लम्हा भर के लिए रणधीर ने सोचा कि उसके अपने हाथों ने इस घाटल लड़की के सीने पर नर्म नर्म गुदी हुई मिट्टी को माहिर कुम्हार की तरह दो प्यालों की शक्ल बना दी है। उसकी सेहतमंद छातियों में वही गुदगुदाहट, वही धड़कन, वही गुलाई, वही गर्म गर्म ठंडक थी जो कुम्हार के हाथों से निकले हुए ताजा कच्चे बर्तनों में होती है। मटमैले रंग की जवान छातियों में जो बिल्कुल कुंवारी थी, एक अजीब व गरीब किस्म की चमक पैदा कर दी थी जो चमक होते हुए भी चमक नहीं थी। उसके सीने पर ये ऐसे दिए मालूम होते थे जो तालाब के गदले पानी पर जल रहे थे। बरसात के यही दिन थे। खिड़की के बाहर पीपल के पत्ते इसी तरह कपकपा रहे थे। लड़की के दोनों कपड़े जो पानी में शराबोर हो चुके थे, एक गदले ढेर की सूरत में पड़े थे और वो रणधीर के साथ चिपटी हुई थी। उसके नंगे बदन की गर्मी उसके जिस्म में ऐसी हलचल सी पैदा कर रही थी जो सख्त जाड़े के दिनों में नाइयों के गर्म हमामों में नहाते वक्त महसूस हुआ करती है। दिन भर वो रणधीर के साथ चिपटी रही। दोनों जैसे एक दूसरे में गड़मड़ हो गए थे। उन्होंने बामुश्किल एक दो बातें की होंगी क्योंकि जो कुछ भी हो रहा था सांसों, होठों और हाथों से तय हो रहा था। रणधीर के हाथ सारी रात उसकी छातियों पर हवा के झोंकों की तरह फिरते रहे। छोटी छोटी चूचियां और मोटे मोटे गोल दाने जो चारों तरफ एक स्याह दायरे की शक्ल में फैले हुए थे, हवाई झोंकों से जाग उठते और उस घाटल लड़की के पूरे बदन में एक सरसराहट पैदा हो जाती जिससे खुद रणधीर भी कपकपा उठता। ऐसी कपकपाहटों से रणधीर का सैकड़ों बार वास्ता पड़ चुका था। वो उनको बखूबी जानता था। कई लड़कियों के नर्म नाजुक और सख्त सीने से अपना सीना मिलाकर कई कई रातें गुजार चुका था। वो ऐसी लड़कियों के साथ भी रह चुका था जो बिल्कुल उसके साथ लिपटकर घर की वो सारी बातें सुना दिया करती थी जो किसी गैर के लिए नहीं होती। वो ऐसी लड़कियों से भी जिस्मानी ताल्लुक कायम कर चुका था जो सारी मेहनत करती थी और उसे कोई तकलीफ नहीं देती थी। लेकिन ये घाटन लड़की जो पेड़ के नीचे भीगी हुई खड़ी थी और जिसे उसने इशारे से ऊपर बुला लिया था, मुख्तलिफ किस्म की लड़की थी। सारी रात रणधीर को उसके जिस्म से एक अजीब किस्म की बू आती रही। उस बू को जो बायक वक्त खुशबू भी थी और बदबू भी, वो सारी रात पीता रहा। उसकी बगलों से, उसकी छातियों से, उसके बालों से, उसके पेट से, जिस्म के हर हिस्से से ये जो बदबू भी थी और खुशबू भी रणधीर के पूरे सरापा में बस गई थी। सारी रात वो सोचता रहा था कि ये घाटन लड़की बिल्कुल करीब होने पर भी हरगिज इतनी करीब ना होती अगर उसके जिस्म से ये बू ना उड़ती। ये बू उसके दिलो दिमाग की हर सलवट में रेंग रही थी। उसके तमाम नए पुराने महसूसात में रच गई थी। उस बू ने उस लड़की और रणधीर को जैसे एक दूसरे से हम आहंग कर दिया था। दोनों एक दूसरे से मुदगम हो गए थे। उन बेकरार गहराइयों में उतर गए थे जहां पहुंचकर इंसान एक खालिस इंसानी तस्कीन से महजूज होता है। ऐसी तस्कीन जो लम्हाती होने पर भी जाविदा थी, मुसलसल तगयूर पजीर होने पर भी मजबूत और मुस्तकम थी। दोनों एक ऐसा जवाब बन गए थे जो आसमान के नीले खला में माइल परवाज रहने पर भी दिखाई देता रहे। उस बू को जो इस घाटन लड़की के अंग अंग से फूट रही थी, रणधीर बखूबी समझता था। लेकिन समझते हुए भी वो उसकी तजिया नहीं कर सकता था। जिस तरह कभी मिट्टी पर पानी छिड़कने से सोंधी सोंधी वो निकलती है, लेकिन नहीं, वो बू कुछ और तरह की थी। उसमें लेवेंडर और इत्र की आमेजिश नहीं थी, वो बिल्कुल असली थी। औरत और मर्द के जिस्मानी तालुकात की तरह असली और मुकद्दस।
रणधीर को पसीने की बू से सख्त नफरत थी। नहाने के बाद वो हमेशा बगलों वगैरह में पाउडर छिड़कता था या कोई ऐसी दवा इस्तेमाल करता था जिससे वो बदबू जाती रहे। लेकिन ताजुब है कि उसने कई बार, हाँ कई बार, उस घाटन लड़की की बालों भरी बगलों को चूमा और उसे बिल्कुल घिन नहीं आई, बल्कि अजीब किस्म की तस्कीन का एहसास हुआ। रणधीर को ऐसा लगता था कि वो उसे पहचानता है, उसके मानी भी समझता है, लेकिन किसी और को नहीं समझा सकता। बरसात के यही दिन थे। यूं ही खिड़की के बाहर जब उसने देखा तो पीपल इस तरह नहा रहे थे। हवा में सरसराहटें और फड़फड़ाहटें घुली हुई थी। उसमें दबी दबी धुंधली सी रोशनी समाई हुई थी, जैसे बारिश की बूंदों का हल्का फुल्का गुबार नीचे उतर आया हो। बरसात के यही दिन थे जब मेरे कमरे में सागवान का सिर्फ एक ही पलंग था, लेकिन अब इसके साथ एक और पलंग भी था और कोने में एक नई ड्रेसिंग टेबल भी मौजूद थी। दिन लंबे थे, मौसम भी बिल्कुल वैसा ही था। बारिश की बूंदों के हमराह सितारों की तरह उसका गुबार सा इसी तरह उतर रहा था, लेकिन फिजा में हिना के इत्र की तेज खुशबू बसी हुई थी। दूसरा पलंग खाली था। उस पलंग पर रणधीर औधे मुंह लेटा खिड़की के बाहर पीपल के पत्तों पर बारिश की बूंदों का रक्स देख रहा था। एक गोरी चिट्टी लड़की जिस्म को चादर में छिपाने की नाकाम कोशिश करते करते करीब करीब सो गई थी। उसकी सुर्ख रेशमी सलवार दूसरे पलंग पर पड़ी थी, जिसके गहरे सुर्ख रंग का एक फुंदना नीचे लटक रहा था। पलंग पर उसके दूसरे उतारे कपड़े भी पड़े थे, सुनहरी फूलदार जम्पर, अंगिया, जंगिया और दुपट्टा सुर्ख था, गहरा सुर्ख, और इन सब में हिना के इत्र की तेज खुशबू बसी हुई थी। लड़की के सिहा बालों में मुकेश के जर्रे धूल के जर्रों की तरह जमे हुए थे। चेहरे पर पाउडर, सुर्खी और मुकेश के इन जर्रों ने मिलजुल कर एक अजीब रंग बिखेर दिया था, बेनाम सा उड़ा उड़ा रंग, और उसके गोरे सीने पर कच्चे रंग के जगह जगह सुर्ख धब्बे बनाए दिए थे। छातियां दूध की तरह सफेद थी, उनमें हल्का हल्का नीलापन भी था। बगलों के बाल मुड़े हुए थे, जिसकी वजह से वहां सुरमय गुबार सा पैदा हो गया था। रणधीर उस लड़की की तरफ देख देख कर कई बार सोच चुका था, क्या ऐसा नहीं लगता जैसे मैंने अभी अभी कीले उखेड़ कर उसको लकड़ी के बंद बक्से में से निकाला हो। किताबों और चीनी के बर्तनों पर हल्की हल्की खराशें पड़ जाती हैं, ठीक उसी तरह उस लड़की के जिस्म पर भी कई निशान थे। जब रणधीर ने उसकी तंग और चुस्त अंगिया की डोरियां खोली थी तो उसकी पीठ पर और सामने सीने पर नर्म नर्म गोश्त पर झुर्रियां सी बनी हुई थी, और कमर के चारों तरफ कसकर बंधे हुए इजार बंद का निशान, वजनी और नुकीले जड़ाऊ नेकलेस से उसके सीने पर कई जगह खराशें पड़ गई थीं, जैसे नाखूनों से बड़े जोर से खुजाया गया हो। बरसात के वही दिन थे। पीपल के नर्म नर्म पत्तों पर बारिश की बूंदें गिरने से वैसी ही आवाज पैदा हो रही थी जैसी रणधीर उस दिन सारी रात सुनता रहा था। मौसम बेहद सुहाना था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन उसमें हिना के इत्र की तेज खुशबू खुली हुई थी। रणधीर के हाथ बहुत देर तक उस गोरी चिट्टी लड़की के कच्चे दूध की तरह सफेद सीने पर हवा के झोंकों की तरह फिरते रहे थे। उसकी उंगलियों ने उस गोरे गोरे बदन में कई चिंगारियां दौड़ती हुई महसूस की थी। इस नाजुक बदन में कई जगहों पर सिमटी हुई कपकपाहटों का भी उसे पता चला था। जब उसने अपना सीना उसके सीने के साथ मिलाया तो रणधीर के जिस्म के हर रोंगटे ने उस लड़की के बदन के छिड़े हुए तारों की भी आवाज सुनी थी। मगर वो आवाज कहाँ थी? वो पुकार जो उसने घाटन लड़की के बदन में देखी थी, वो पुकार जो दूध के प्यासे बच्चे के रोने से ज्यादा होती है, वो पुकार जो हल्का एक ख्वाब से निकल कर बेआवाज हो गई थी। रणधीर खिड़की से बाहर देख रहा था। उसके बिल्कुल करीब ही पीपल के नहाते हुए पत्ते थरथरा रहे थे। वो उनकी मस्ती भरी कपकपाहटों के उस पार कहीं बहुत दूर देखने की कोशिश कर रहा था, जहां मठीले बादलों में
अजीबोगरीब किस्म की रोशनी घुली हुई दिखाई दे रही थी, ठीक वैसी ही जैसी उस घाटन लड़की के सीने में उसे नजर आती थी। ऐसी पुर असरार गुफ्तगू की तरह दबी लेकिन वाजे थी। रणधीर के पहलुओं में एक गोरी चिट्टी लड़की जिसका जिस्म दूध और घी में गुधे मैदे की तरह मुलायम था लेटी थी। उसके नींद से माते बदन से हिना के इत्र की खुशबू आ रही थी जो अब थकी थकी सी मालूम होती थी। रणधीर को ये दम तोड़ती और जनों की हुई खुशबू बहुत बुरी मालूम हुई। उसमें कुछ खटास थी, एक अजीब किस्म की जैसी बदहजमी के डकारों में होती है, उदास बेरंग बेचैन। रणधीर ने अपने पहलू में लेटी हुई लड़की की तरफ देखा। जिस तरह फटे हुए दूध के बेरंग पानी में सफ़ेद मुर्दा फुटकियां तैरने लगती हैं, उसी तरह उस लड़की के जिस्म पर खराशे और धब्बे तैर रहे थे और वो हिना के इत्र की ऊटपटांग खुशबू रणधीर के दिलो दिमाग में वो बू बसी हुई थी जो उस घाटन लड़की के जिस्म से बिना किसी कोशिश के अज खुद निकल रही थी। वो बू जो हिना के इत्र से कहीं ज़्यादा हल्की फुल्की और दबी हुई थी, जिसमें सूंघे जाने की कोशिश शामिल नहीं थी। वो खुद ब खुद नाक के अंदर घुसकर अपनी सही मंजिल पर पहुंच जाती थी। रणधीर ने आखिरी कोशिश के तौर पर उस लड़की के दूधिया जिस्म पर हाथ फेरा लेकिन कपकपी महसूस न हुई। उसकी नई नवेली बीवी जो एक फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट की बेटी थी जिसने बीए तक तालीम हासिल की थी और जो अपने कॉलेज के सैकड़ों लड़कों के दिलों की धड़कन थी, रणधीर के किसी भी हिस्से को न छू सके। वो हिना की खुशबू में उस बू को तलाश कर रहा था जो उन्हीं दिनों में जबकि खिड़की के बाहर पीपल के पत्ते बारिश में नहा रहे थे उस घाटन लड़की के मैले बदन से आई थी। तो दोस्तों बस इतनी सी थी ये कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और हमारे पॉडकास्ट को फॉलो करना ना भूलें। मैं सिद्धांत मिलता हूँ आपको अगले पॉडकास्ट में। तब तक के लिए ये कहानी वाला लड़का आपको अलविदा कहता है। अपना ख्याल रखिएगा।